बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अंबरनाग मारिया सीरीज़ की अगली तमाम अकसात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अंबरनाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 63, पहला हिस्सा, देवी कंपाला का जाल। रेत पर कदमों के निशान अहराम मिस्र तक चले गए थे। मारिया उन निशानों के साथ साथ आगे बढ़ती गई। ये निशान उन दोनों अंग्रेज़ लुटेरों के थे जो सियाहों के बेस में मिस्र में फिरौन का खुफिया ख़जाना लूटने आए थे। उन्होंने अहराम के पास खेमे लगा रखे थे। उनका मुलाजिम अब्दुल खेमे में बेखबर सो रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके मुल्क का ख़जाना दूसरे मुल्क के लोग लूट कर ले जाएँ, मगर वो गहरी नींद में सो रहा था और अंग्रेज़ लुटेरे रामीज़ फिरौन के मकबरे में पहुंच गए थे। उनके पीछे पीछे मारिया भी चली आ रही थी। रात की मौत ऐसी खामोशी सहरा में छाई थी। आसमान पर सितारे धीरे धीरे चमक रहे थे। कदमों के निशान फिरौन के मकबरे के दरवाजे पर आकर ख़त्म हो गए थे। मारिया ने देखा फिरौन के मकबरे की दीवार खुली है। वो मकबरे में दाखिल हो गई। अंदर अंधेरा था। वो दीवार के साथ साथ होकर चलने लगी। ज़रा दूर जाने के बाद मकबरे की तारीकी में हल्की हल्की रोशनी हुई। ये रोशनी उस लैंप की थी जो अंग्रेज़ लुटेरे ने हाथ में थाम रखा था, और वो अहराम में रास्ता तलाश करते आगे बढ़ रहे थे। मारिया भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब वो रोशनी के करीब पहुंची, तो उसने देखा कि वो एक खो में से अंदर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। लोहे की एक सुलाख की मदद से उन्होंने एक जगह से भारी पत्थर हटा लिया था और वहाँ इतना रास्ता बन गया था कि एक आदमी उसमें से गुजर सके। दोनों अंग्रेज़ लुटेरे उसमें से बारी बारी अंदर गुजर गए। मारिया भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। डेढ़ मर्द ऊंचा और काफ़ी खुला कमरा था जो जवाहरात के खुले संदूकों और सोने चांदी की चीज़ों से भरा हुआ था। जवाहरात के बाहर संदूक से बाहर पड़े थे। कोने में सोने के बुत रखे थे। बीच में फिरौन रामीज़ की मम्मी एक ताबूत में आराम कर रही थी। उसके सर पर भी सोने का ताज था। लुटेरे तो खुशी से दीवाने हो गए। उन्होंने जवाहरात और सोने की डलियां उठा उठा कर अपनी जेबें भरनी शुरू कर दीं। एक ने फिरौन के सर पर से ताज उतार अपने सर पर रख लिया। ठीक उस वक्त फिरौन की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सिर्फ मारिया को सुनाई दे सकती थी। फिरौन ने कहा, मारिया, ये लोग मेरे आबाओ इताद का ख़ानदानी खजाना लूट कर ले जाना चाहते हैं। अपना वादा पूरा करो और इनसे मुझे निजात दिलाओ, नहीं तो मैं अभी सैलाब बनकर उठूँगा और सारे मिस्र शहर के मकानों को बहाकर ले जाऊंगा। मारिया ने कहा, फिरौन फिक्र ना करो, ये लोग तुम्हारा ख़जाना लूटने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। उसके साथ ही मारिया ने एक बुत के हाथ में पकड़ी हुई तलवार खींचकर अपने हाथ में ले ली। अंग्रेज़ लुटेरे सोने के हारों से भरे हुए संदूक पर झुके हुए थे। मारिया ने तलवार मारकर एक अंग्रेज़ की गर्दन उड़ा दी। दूसरे अंग्रेज़ ने हैरान होकर पीछे देखा। दूसरी तलवार ने उसकी गर्दन भी उड़ा दी। दोनों की लाशें वहाँ पड़ी तड़पने लगीं। मारिया ने सोने का ताज फिर से फिरौन के सर पर रख दिया। फिरौन की आवाज़ आई, शाबाश मारिया, तूने मेरी रूह को खुश कर दिया है। मेरे सरहाने एक सफ़ेद मोती तुम्हें मिलेगा, उसे अपने पास रख लो। मुसीबत के वक्त ये तेरे काम आएगा। मारिया ने मोती उठाकर जेब में रख लिया। उसने कहा, ऐ फिरौन की रूह, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे भाई अंबर और नाग कहाँ हैं? फिरौन की रूह ने कहा, अंबर और नाग इस वक्त एक जहाज़ पर सवार मिस्र की जानेब आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मारिया ने फिरौन के मकबरे की दीवार को फिर से पत्थर लगाकर बंद किया और आराम से बाहर आ गई। बाहर रात ढलने लगी थी। सितारे आसमान पर मानत पड़ रहे थे और सुबह की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मारिया अंग्रेज़ों के खेमे में आ गई। उनका नौकर अब्दुल जाग पड़ा था और हैरानी से अंग्रेज़ों के खाली बिस्तरों को देख रहा था। मारिया ने कहा, अब्दुल, मैं फिरौन की रूह से मिलकर आ रही हूँ। तुम्हारे मालिक डाकू थे। वो फिरौन का ख़जाना चोरी करने आए थे। उनकी लाशें फिरौन के मकबरे में बंद पड़ी हैं। अब्दुल ने चौंक कर डरते डरते चारों तरफ देखा और ज़मीन पर बैठ गया। तुम कौन हो? मारिया ने कहा, मैं भी एक रूह हूँ। अब तुम आज़ाद हो। अंग्रेज़ों का सारा सामान अब तुम्हारा है। इतना कहकर मारिया वहाँ से शहर की तरफ रवाना होने लगी, तो उसने देखा ज़रा करीबी एक ऊँट बैठा था। उसने कहा, अब्दुल, इस ऊँट पर कजावा रख दो, मैं इस पर सवार होकर शहर जाऊंगी। अब्दुल ने जल्दी से डरते डरते ऊँट पर कजावा डाल दिया। फिर बोला, अहरू, क्या तुम ऊँट के बगैर सफ़र नहीं कर सकती?
मारिया ने हंसकर कहा, नहीं मैं वो रूह नहीं हूँ, और ऊँट पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गई। शहर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। मारिया शहर के करीब से होकर दरियाए नील के किनारे आ गई। यहाँ बंदरगाह थी, यहाँ दूर दूर से जहाज आकर खड़े होते थे। उसने ऊँट को छोड़ दिया। बंदरगाह पर मजदूर काम कर रहे थे। एक खाली जहाज पर सामान लादा जा रहा था। उसने सोचा कि किसी से पूछना चाहिए कि बाहर से जहाज कब आ रहा है, मगर वो पूछे किस तरह से। मारिया एक दुकान के बाहर आकर रुक गई। यहाँ कुछ लोग बैठे कहवा पी रहे थे। मारिया दुकान के अंदर जाकर एक जगह बैठ गई। उसको भूख भी लग रही थी। उसने एक रोटी उठाकर खानी शुरू कर दी, फिर कहवे से भरी हुई एक प्याली उठाई और कहवा पीना शुरू कर दिया। जिस शख्स के आगे से कहवे की प्याली गायब हुई थी, वो परेशान होकर इधर उधर तकने लगा। दुकानदार ने पूछा, तुम्हारी प्याली कहाँ चली गई? वो आदमी बोला, वही तो मैं तलाश कर रहा हूँ। मारिया हंसती रही और कहवा पीती रही। कहवा पीने के बाद उसने एक आदमी के कान के पास जाकर पूछा, जहाज कब आ रहा है? वो आदमी एकदम से उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगा कि सवाल किसने किया है। जिस औरत ने सवाल किया था वो उसे नज़र नहीं आ रही है। अब वो आदमी अपनी जगह से खौफजदा होकर उठा और दुकान से बाहर भाग गया। मारिया कहका लगाकर हंस पड़ी। उसके कहके की आवाज़ दुकान में बैठे सारे आदमियों ने सुनी। दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, जबकि अंदर कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया ने एक बार फिर पूछा, भाइयों मैं एक औरत हूँ, मुझे बताओ कि बाहर से आने वाला जहाज़ बंदरगाह पर कब आकर लगेगा? अब तो हर कोई एक दूसरे को हैरानी से देखने लगा। मारिया ने एक बार फिर कहा, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? उस पर सारे के सारे ग्राहक दुकान से उठकर दौड़ पड़े। अब वहाँ सिर्फ दुकानदार बाकी रह गया। मारिया ने उसके करीब जाकर कहा, भाई तुम ही बता दो कि जहाज़ कब आ रहा है। दुकानदार खौफ से कांप रहा था। उसने डरते डरते कहा, कल सुबह जहाज़ आएगा। इतना कहकर वो गश खाकर गिर पड़ा। मारिया हंसती हुई दुकान से निकली और शहर में आ गई। वो बाज़ारों में घूम फिरकर सैर करने लगी। लोगों की बड़ी रौनक थी, खरीदो फरोख्त हो रही थी। चौक में फलों के ढेर लगे थे, दुकानें सामान से भरी हुई थीं, सिपाही भी चल फिर रहे थे। मारिया दोपहर तक सैर करती रही, फिर वो थक कर गई तो एक जगह उसने एक मोटे ताजे अमीर आदमी को देखा, जो दो घोड़ों वाली बग्घी में आराम से मखमल के गद्दों पर बैठा हुक्का पी रहा था। दो गुलाम उसकी गाड़ी के बाहर सर झुकाए खड़े थे। अमीर आदमी ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, चलो घर चलो। गुलाम बग्घी के पीछे हो गए। साई ने बग्घी को चला दिया। मारिया भी यूं ही बग्घी के पीछे खड़ी हो गई। मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर ये बग्घी एक शानदार हवेली में दाखिल हो गई। यहाँ कुछ गुलाम बाग में काम कर रहे थे। मारिया ने देखा कि अमीर आदमी का महल बड़ा शानदार है। नौकर चाकर खिदमत कर रहे हैं। एक जगह गुलामों की कच्ची कोठड़ियाँ बनी हुई हैं। मारिया ने सोचा कि इन झोंपड़ियों में से किसी में रात बसर करनी चाहिए, अमीर आदमी के महल में क्या सोना। चनाचे वो एक झोंपड़ी में आ गई। उसी किसी के आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ आई। वो अंदर गई तो देखा कि एक जर्द जर्द कमज़ोर सी औरत टूटी हुई चटाई पर बैठी सर झुकाए रो रही है। इतने में एक गुलाम अंदर आया। वो नौजवान लड़का था, औरत बूढ़ी सी थी। गुलाम ने झुककर कहा, माँ हौसला करो, मैं दिन रात काम करके रुपए इकट्ठे करूँगा, अपने छोटे भाई को जालम अमीर की कैद से आज़ाद करा लूँगा। औरत ने कहा, मेरे बेटे तुम मजबूर हो, मैं भी मजबूर हूँ। जालिम अमीर मेरे बच्चे की आंखें निकाल देगा, वो उसे तड़पा तड़पा कर मार देगा, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। गुलाम ने कहा, माँ खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, मेरा भाई ज़रूर हमसे आन मिलेगा। औरत बेचारी रोती रही और गुलाम उसे तसल्ली देता रहा। मारिया के दिल पर बहुत असर हुआ। उसने अचानक पूछ लिया, तुम्हारा बेटा कहाँ है माँ? उसकी आवाज़ पर औरत ने एकदम रोना बंद कर दिया। गुलाम बेटा भी चौंक कर झोपड़ी में इधर उधर तकने लगा। उनके चेहरे पर खौफ था। मारिया ने कहा, घबराओ नहीं भाई, मैं कोई रूह नहीं हूँ, बल्कि एक हूर हूँ। खुदा ने मुझे जन्नत से तुम लोगों की दुआ कबूल करके तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। औरत उसी वक्त सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हम गरीब मुजलूमों की दुआ सुनी। गुलाम लड़का अभी तक डरा हुआ था। मारिया ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे बेधड़क होकर बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ और किस जगह पर कैद है। गुलाम ने डरते डरते कहा, ए मुकद्दस हूर, मेरे भाई को जालिम अमीर ने हवेली के एक बुर्ज में कैद कर रखा है। हाँ हबशी गुलाम नंगी तलवारें लिए पैरा देते हैं। मेरे भाई का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने जालिम अमीर के छोटे लड़के को झुककर सलाम नहीं किया था। मारिया ने कहा,
मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मगर उसके बाद तुम लोग यहाँ नहीं रह सकोगे, क्योंकि जालिम मालिक तुम लोगों को कत्ल करवा देगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों यहाँ से निकलकर दरिया किनारे पहुंचकर मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे भाई को लेकर वहाँ आ जाऊंगी। उसके बाद तुम किसी दूसरे शहर में चले जाना। ग़ुलाम की माँ ने कहा, तुम पर खुदा की रहमत हो मुकद्दस हूर, हम सूडान में अपने गाँव चले जाएँगे। वहाँ जालिम अमीर के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हमारा कबीला वहाँ हमारी मदद करेगा। मारिया ने कहा, ठीक है, तुम लोग अभी यहाँ से किसी तरह निकल जाओ और दरिया किनारे आराम के पास मेरा इंतज़ार करो। हाँ, मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। माँ ने आंसू पूछते हुए कहा, उसका नाम जमूर्द है, उसके बाल छोटे छोटे हैं और माथे पर जख्म का निशान है। मारिया ने कहा, बेहतर है, अब तुम लोग किसी तरह से यहाँ दरिया की जानब निकल जाओ। औरत उसी वक्त अपने बेटे ग़ुलाम को लेकर दरिया की तरफ रवाना हो गई। मारिया हवेली के ऊपर बुर्ज के पास आ गई। क्या देखती है कि वहाँ दो हबशी पहरा दे रहे हैं। एक के हाथ में तलवार है और दूसरे ने लंबी 12 दवा वाली बंदूक संभाल रखी है। मारिया कुछ देर वहाँ ठहरी, सोचती रही कि किस तरह से ग़ुलाम लड़के को आज़ाद करके अपने साथ ले जाए। बुर्ज की कोठड़ी बंद थी, दरवाजे पर ताला पड़ा था। मारिया ने करीब जाकर देखा, ताला काफ़ी मजबूत था, लेकिन मारिया उसे खोल सकती थी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि दोनों हबशी वहाँ से दूर हो जाएं। मारिया ने कुछ देर सोचा, उसके दिमाग में सिवाय इसके कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि वो दोनों हबशियों को हलाक कर दे। ऐसा वो नहीं करना चाहती थी। आखिर उसने सोचा कि क्यों ना फिरौन के मोती से मदद ली जाए। उसने जेब से सफ़ेद मोती निकाल कर हाथ में लिया और कहा, ऐ फिरौन के मोती, मेरी मदद कर। उसे फिरौन की आवाज़ आई, मारिया इस मोती को इन हबशियों की तरफ फेंक दे। मारिया ने खामोशी से मोती दोनों हबशी सिपाहियों की तरफ उछाल दिया। मोती उनके दरमियान जाकर गिरा तो वो उसकी तरफ लपके, अरे ये तो बड़ा कीमती मोती है, कहाँ से आ गया। दूसरे हबशी ने कहा, ज़रूर किसी परिंदे की चूँच से गिरा होगा, हम इसे बेचकर रकम आधी आधी तकसीम कर लेंगे, ये तो बड़ा कीमती मालूम होता है। अभी वो बातें कर रहे थे कि अचानक मोती में से हल्का हल्का सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया। हबशी सिपाही ताज्जुब से उस धुएँ को देखने लगे। एक हबशी ने जल्दी से मोती ज़मीन पर फेंक दिया, वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। धुएँ ने उन पर असर करना शुरू कर दिया था, उनके दिमाग चकराने लगे, आँखें बंद होने लगीं, वो बार बार आँखें मलते थे, फिर उनके गले बंद होने लगे और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। मारिया ने आगे बढ़कर मोती उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। वो दरवाजे के पास आई और ताले को दोनों हाथों में पकड़कर जोर से मरोड़ा। ताला खटाक से टूटकर उसके हाथ में आ गया। मारिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा खुलते ही सुबह की रोशनी जमर्द पर पड़ी तो उसने चंदेहायु आंखों से देखा। दरवाज़ा खुला था मगर कोई इंसान उसे नज़र नहीं आ रहा था। ग़ुलाम नौमर था और उसके माथे पर जख्म का निशान भी था। यही लड़का जमूर्द था। मारिया ने जल्दी से कहा, जमूर्द मेरी आवाज़ सुनकर घबराना नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हारी माँ और भाई दरिया किनारे तुम्हारी राह देख रहे हैं। जमूर्द ने हैरत से पूछा, मगर तुम? मारिया ने कहा, यह वक्त सवाल करने का नहीं है, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से भाग निकलो। मारिया जमूर्द की रहनमाई करती उसे महल की छत के पिछले किनारे पर ले आई। यहाँ लकड़ी की सीढ़ी नीचे जाती थी। गालबन ये सीढ़ी इसलिए रखी थी कि अगर महल में आग लग जाए तो उसके रास्ते नीचे उतरकर जान बचाई जा सके। मारिया ने जमूर्द को साथ लिया और महल की छत से नीचे उतर आई। अभी वो महल की चारदीवारी में ही थे, अभी उन्हें दरवाजे में से गुजरना था। दरवाजे पर भी एक मोटा हबशी बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। मारिया ने जमूर्द के कान में कहा, तुम यहाँ दरख्त के पीछे छुप जाओ, मैं रास्ता साफ करके अभी आती हूँ। मारिया मोटे सिपाही के पास जाकर खड़ी हो गई। वहाँ उस वक्त खुशकिस्मती से सिवाय उस मोटे सिपाही के और कोई नहीं था। ज़रा परे कुछ सिपाही आराम कर रहे थे। मारिया ने करीबी कोठरी में जाकर जोर से एक बर्तन नीचे फेंका। मोटा सिपाही जल्दी से अंदर आया कि ये शोर किस शय का है। जो ही वो अंदर आया, मारिया ने एक डंडा जोर से उसके सर पर दे मारा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मारिया भाग कर जमूर्द के पास आई, जल्दी से भाग चलो। दोनों खुले दरवाजे में से निकलकर बाहर मैदान में आ गए। यहाँ एक ऊँट जुगाली कर रहा था। मारिया ने कहा, इस ऊँट पर सवार हो जाओ जमूर्द। जमूर्द ऊँट पर चढ़ गया, मारिया भी उसके साथ ही चढ़ गई। ऊँट ने दरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। उन्हें भागते कुछ सिपाहियों ने देख लिया था, उन्होंने शोर मचा दिया और अपने ऊँट उसके पीछे लगा दिए।
गुलाम लड़के की माँ और भाई दरिया किनारे छुपे बैठे थे। वो जमूद की राह देख रहे थे। मारिया जमूद को ऊंट पर सवार करके दरिया की तरफ भागी चली आ रही थी। सिपाही उसके पीछे लगे थे। मारिया दूर निकल गई। फिर उनके मकबरे के करीब आकर उसने जमूद को उसकी माँ के हवाले किया और कहा, इस मकबरे की देवड़ी में छुप जाओ, दुश्मन के आदमी पीछे लगे हैं। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और देवड़ी की ऊंट में छुप गई। मारिया रास्ते में एक जगह खड़ी होकर सिपाहियों का इंतजार करने लगी। जमूद की माँ ने देखा कि चार सिपाही वहाँ आकर ऊँटों पर से उतर आए और सीधे देवड़ी में आ गए। जमूद की माँ की चीख निकल गई। एक सिपाही ने कहा, पकड़ लो इन्हें, यहाँ छुपे हैं ये लोग। सिपाही जमूद, उसके भाई और उसकी माँ पर टूट पड़े। उन्होंने तीनों को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। जमूद की माँ ने दहाई दी, ऐ खुदा हम पर रहम कर। जमूद ने पुकार कर कहा, ऐ मुकद्दस रूह तू कहाँ है? मोटे सिपाही ने उसके सर पर थप्पड़ मारकर कहा, गुलामी किसको बुला रहा है? उसे कोई खबर नहीं थी कि जिसे जमूद बुला रहा था वो उसके बिल्कुल ही पास खड़ी थी। अचानक मोटे सिपाही की तोंद पर किसी ने जोर से लात मारी और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कमीनों, ये लात मुझे किसने मारी? मोटा सिपाही अपने साथियों पर बरस पड़ा। साथी सिपाही हैरान थे कि यह लात उसे किसने मारी है। इतने में उन सिपाहियों को भी एक एक लात पड़ गई। सिपाही ने चीख कर कहा, भूत भूत। मारिया ने मोटे सिपाही की गिरी हुई बंदूक उठाकर हवाई फायर कर दिया। दाएं की आवाज़ आई, सहरा गूंज उठा। सिपाही दुम दबाकर भाग पड़े। मोटा सिपाही पीछे रह गया। मारिया ने उसके पास जाकर जमीन पर गोली चला दी। मोटा सिपाही उछलकर दूर जा पड़ा। उसकी पतलून फट गई थी। वो भी दुम दबाकर भाग उठा। मारिया अब जमूर्द उसकी माँ और उसके भाई के पास आई। उसने कहा, तुम लोग इन ऊँटों पर सवार होकर दरिया किनारे सफ़र करते इस मुल्क की सरहद से निकल जाओ। जमूद की माँ ने मारिया का शुक्रिया अदा किया। ऐ मुकद्दस रूह, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। खुदा तुम्हारा भला करे। माँ अब देर ना करो, तुम्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटी। उन लोगों को रुखसत करके मारिया वापस बंदरगाह वाले इलाके में आ गई। वो उसी जगह कहीं रात बसर करना चाहती थी ताकि दूसरे दिन आने वाले जहाज़ को देख सके। सवाल ये था कि वो रात किस मकाम पर बसर करे। वहाँ उसे एक दो मंजिला इमारत पर सराय का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आया। ठीक है, मुझे इसी सराय में रात बसर करनी चाहिए। मारिया सराय के दरवाजे पर आई। सीढ़ियाँ ऊपर दूसरी मंजिल को जाती थीं। मारिया दूसरी मंजिल पर आ गई। यहाँ आमने सामने छोटी छोटी कोठरियाँ बनी थीं। यहाँ मुसाफिर उतरे हुए थे। एक कोठरी पर ताला पड़ा था। ये खाली कोठरी थी। मारिया ने ताला तोड़ डाला और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। छोटी सी कोठरी में दीवार के साथ बिस्तर लगा था। एक लकड़ी की तपाई पर पानी का जग और गिलास रखा था। मारिया बड़ी खुश हुई। उसने गुसलखाने में जाकर गुसल किया। उसे नए कपड़ों की ज़रूरत महसूस हुई। उसके कपड़े जगह जगह से मैले हो रहे थे और फट भी गए थे। कपड़े कहाँ से हासिल किए जाएँ? मारिया जी सोचते हुए नीचे आ गई। क्या देखती है कि सराय के सामने एक दुकान है जिसकी अलमारियों में जनाना कपड़े सजे हुए हैं। मारिया बड़ी खुश हुई और दुकान में आ गई। दुकानदार एक औरत को कपड़े दिखा रहा था। मारिया ने एक अलमारी में हाथ बढ़ाया। ग्राहक औरत ने कहा, ये सूट मुझे पसंद है। दुकानदार ने सूट की तरफ हाथ बढ़ाया। इत्तेफाक से उस सूट की जानिब मारिया अपना हाथ बढ़ा चुकी थी। उसने सूट हाथ में लिया ही था कि सूट गायब हो गया। दुकानदार ने ग्राहक औरत की तरफ हैरानी से देखा। ग्राहक औरत की चीख निकल गई थी और वो बाहर भाग उठी। दुकानदार हक्का बक्का होकर कभी अलमारी को देखता और कभी अपना सर खो जाता। मारिया ने वही सूट जेबे तन किया और वापस सराय के कमरे में आ गई। इत्तफाक से उस कमरे की तरफ सराय के मालिक की तवज्जो नहीं हुई थी। किसी ने नहीं देखा था कि कमरे का ताला टूट चुका है। मारिया ने वैसे भी टूटा हुआ ताला दूसरी तरफ नाले में फेंक दिया था। अब हर कोई यही समझ रहा था कि यहाँ कोई मुसाफिर आकर ठहरा हुआ है। शाम के वक्त मारिया ने मुंह हाथ धोकर चाय पी और वो बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने सोचा सराय का कोई नौकर आया है, दरवाज़ा खोल देना चाहिए। जब अंदर आकर उसे मालूम होगा कि अंदर कोई नहीं है तो अपने आप वापस चला जाएगा। मारिया ने चुपके से कुंडी खोल दी और खुद बड़े इत्मीनान से बिस्तर की तरफ अपना रुमाल उठाने आ गई। उसका ख्याल था कि नौकर वगैरह जो कोई भी होगा अंदर आकर इधर उधर देखेगा और जब उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आएगा तो हैरान होकर या डर कर वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। उसकी बजाय
उसने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ए मुकद्दस रूह, तुझे देवी कंपाला ने अपने हाथ दावत दी है। मारिया तो सर से पांव तक लरज गई। आज तक कभी उसे किसी ने देखा नहीं था और उस तरह नहीं बुलाया था। ये कौन शख्स है जिसने उसे अंदर आते ही देख लिया? मारिया ने पलट कर देखा, सामने एक स्याह रंग का उधेड़ उम्र हबशी खड़ा था जिसके बाल कुछ कुछ सफ़ेद हो रहे थे। मारिया कुछ देर उसे टुकटुकी बांधे देखती रही। उसने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि हबशी उस तरफ नहीं देख रहा जिस तरफ वो खड़ी है। साफ जाहिर था कि उसने उसे देखा नहीं है। मारिया ये देखने के लिए कि सचमुच हबशी ने उसे देखा है या नहीं, वहाँ से बड़ी खामोशी से दबे पाँव हटकर हबशी के पीछे आ गई। हबशी अभी तक सामने ही देख रहा था। वो समझ गई कि हबशी ने उसे बिल्कुल नहीं देखा, फिर भी उसने उसे मुकद्दस रूह कहकर पुकारा था। इसका मतलब था कि उसने मारिया की मौजूदगी को महसूस कर लिया है। वो जानता है कि मारिया इस कमरे में मौजूद है। ये भी मारिया के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मारिया ने कहा, तुम कौन हो और देवी कंपाला कौन है? हबशी हाथ बांध कर बोला, मुकद्दस रूह, मैं देवी कंपाला का गुलाम हूँ। उसको जब मालूम हुआ कि तुम इस वादी में आई हो तो उसने तुम्हारी दावत का फैसला किया। वो तुमसे मिलना चाहती है। मारिया ने पूछा, देवी कंपाला कहाँ रहती है? शहर से बाहर एहराम के पास एक मंदिर है, देवी कंपाला उस मंदिर में रहती है। अगर तुम मेरे साथ चली चलो तो देवी को बहुत खुशी होगी। मारिया ने सोचा कि चले चलने में क्या हर्ज है, बोली, अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हबशी के साथ ही मारिया कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोचा कि अगर कोई खतरे की बात हुई तो वो वापस आ जाएगी, क्योंकि ये लोग उसे देख तो सकते नहीं और फिर हो सकता है कि ये देवी कोई नेक रूह हो, अगर ना उसे कैसे मालूम होता कि मैं सराय में उतरी हुई हूँ। बाहर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। मारिया उसमें सवार हो गई। गाड़ी शहर की सड़कों पर शोर मचाती शहर से बाहर निकलकर एहराम को जाने वाली रेतली सड़क पर रवाना हो गई। शाम हो गई थी। सहरा में रात की हल्की हल्की स्याही फैलना शुरू हो गई थी। आसमान पर सितारे चमकने लगे थे। घोड़ा गाड़ी सहरा में सफ़र करती पुराने एहराम की पथरीली दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो गई। हबशी उतरते हुए बोला, ए मुकद्दस रूह, मेरे पीछे पीछे चली आओ। मारिया हबशी के साथ साथ चलने लगी। हबशी एक खुफिया दरवाजे से लेकर मारिया को एक तहखाने में ले आया। उसके पीछे दीवार का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब मारिया को परेशानी हुई कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगी। ये बात उसे बहुत पहले महसूस कर लेनी चाहिए थी। उसे किसी ऐसी जगह नहीं आना चाहिए था जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। बहरहाल अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। हबशी आगे आगे चल रहा था। वो एक चबूतरे के पास जाकर रुक गया। यहाँ दीवार के साथ संगे मरमर की कुर्सियाँ लगी थीं जिन पर स्याह गुदीले पड़े थे। हबशी ने झुककर कहा, ए मुकद्दस रूह, अब मैं जाता हूँ, देवी कंपाला का यही हुक्म था। हबशी चला गया। मारिया अकेली रह गई। हबशी किसी दूसरे रास्ते से ज़मीन के अंदर उतर गया था। अगर वो दीवार के दरवाजे से जाता तो मारिया भी यकीनन उसके पीछे पीछे वहाँ से निकलकर भाग जाती। उसने खतरे की बू सूंघ ली थी, फिर भी वो बड़े हौसले से खड़ी थी। उसे ये भी ख्याल आ जाता कि हो सकता है देवी कंपाला सचमुच कोई नेक दिल देवी हो। इतने में उसने देखा कि सामने वाली दीवार का पत्थर एक जगह से हटा और एक बूढ़ी औरत जिसका सर सफ़ेद हो चुका था अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक लंबी स्याह तस्बीह थी जिसके दाने हड्डियों के थे। नाक तोते जैसी चूँच नमा थी। आंखों में सुर्खी और चुड़ैलों जैसी कशिश थी। उस औरत ने हंसकर कहा, खुश आमदीद मुकद्दस रूह, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी दावत कबूल की। यहाँ बैठ जाओ मेरी बच्ची, मैं देवी कंपाला हूँ। मारियो को महसूस हुआ कि देवी ने उसे देख लिया है, चनाचे वो उससे मुतासर हुई। असल में देवी कंपाला ने उसे बिल्कुल नहीं देखा था। उसने अपने जादू के ज़रिए से अंदाज़ा कर लिया था कि मारिया किस मकाम पर खड़ी है। चनाचे देवी कंपाला उसी तरफ मुंह करके बात कर रही थी। मारिया संगे मरमर की कुर्सी पर बैठ गई। देवी कंपाला भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। देवी ने कहा, प्यारी बच्ची, मैं 200 बरस से इस वादी में हुकूमत कर रही हूँ। मुझे बशारत हुई थी कि एक वक्त आने पर यहाँ एक मुकद्दस रूह आएगी। मैं अरसे से तुम्हारी राह देख रही थी। चनाचे जब मुझे पता चला कि तुम मिस्र के शहर में एक सराय में आकर ठहरी हो तो मैंने अपने गुलाम को तुम्हारी तरफ भेजा। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया। क्या तुम मेरे साथ खाने की मेज़ पर तशरीफ़ नहीं ले चलोगी? मारिया ने कहा, चलिए देवी कंपाला। मारिया उस बूढ़ी औरत से मुतासर हुई थी। शायद ये उसकी ज़िंदगी की एक और भूल थी कि उसने देवी कंपाला को अच्छा समझ लिया था और उसकी चकनी चपड़ी बातों में
छुपी हुई खतरनाक औरत को नहीं पहचाना था। असल में हकीकत ये थी कि मुल्क यमन में एक जिन रहता था जो इस चुड़ैल का भाई था। उस जिन की जिंदगी के दिन पूरे हो गए थे। वो मरने वाला था लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। उस जिनों के बड़े बादशाह ने बताया कि अगर वो किसी ऐसे इंसान का खून पिए जिसमें गायब हो जाने की ताकत हो तो वो रहती दुनिया तक जिंदा रह सकता है। जिन ने पूछा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो इंसान गायब है, क्योंकि मैं तो उसे देख ही नहीं सकूंगा। जिनों के बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें इतनी ताकत दे देता हूँ, तुम ऐसे इंसान के जिस्म से निकलने वाली श्वाओं को देख सकोगे। तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि ऐसा इंसान कहाँ खड़ा है। जिन ने यह सुना तो मिस्र में अपनी बहन को बुलाया, सारी बात बयान की और कहा कि मैंने सुना है एक औरत मिस्र शहर की एक सराय में आकर ठहरी है जो किसी को नज़र नहीं आ रही, इसलिए तुम फौरन उसे किसी तरह से पकड़ कर मेरे पास ले आओ। उसका खून पीकर मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लूँगा। देवी कंपाला ने कहा, फिक्र ना करो भाई, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं गायब औरत के जिस्म से निकलने वाली शुआएँ देख सकूँ। मैं उस औरत को कैद करके तुम्हारे पास ले आऊँगी। मिस्र वापस आकर देवी कंपाला ने हबशी गुलाम को मारिया के पास भेजा और अब मारिया उसके गार में थी। वो उसे नीचे खाने के कमरे में जाने की दावत दे रही थी। मारिया कुछ हिचकिचाई लेकिन देवी कंपाला ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी, क्या तुम एक ऐसी देवी की दावत कबूल नहीं करोगी जो तुम्हारी वालदा से भी ज़्यादा बूढ़ी है। मारिया का दिल पिघल गया। वो देवी कंपाला के साथ साथ चल पड़ी। देवी कंपाला एक दीवार के आगे जाकर रुक गई। उसने दीवार को पाँव की ठोकर मारी, दीवार अपनी जगह से सरकने लगी। वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा बन गया। देवी कंपाला को मारिया के जिस्म से निकलने वाली श्वाएँ साफ दिखाई दे रही थीं। उसने उन श्वाओं की तरफ मुंह करके मुस्कुराते हुए कहा, मुकद्दस रूह, अंदर तशरीफ लाओ। मारिया एक बार फिर ज़रा झिझकी लेकिन देवी कंपाला की मुस्कुराहट को देखकर वो दरवाजे से मेज गुजर कर अंदर कमरे में चली गई। यहाँ एक मेज़ पर फल और बना हुआ गोश्त रखा था। देवी कंपाला ने कहा, मुकद्दस रूह, तशरीफ रखो। मारिया कुर्सी पर मेज़ के साथ बैठ गई। देवी कंपाला को जैसे कुछ याद आ गया था, माथे पर हाथ रख कर बोली, अरे एक शय तो मैं लानी भूल ही गई, वो तुम्हारे खाने दिखाने के लिए रखी थी, बल्कि मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा होगा। रुको, अभी लाती हूँ, तुम खाना शुरू करो। ये कहकर देवी कंपाला कमरे से गुजरती हुई दीवार के दरवाजे में से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। गोया एक भारी पत्थर दीवार के आगे आकर गिर पड़ा। मारिया को शदीद खतरे का एहसास हुआ। वो झट से समझ गई कि वो मुसीबत में फंस गई है। जल्दी से उठी, दरवाजे के पास आई, मगर वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं था, पत्थर की दीवार थी जिसमें कहीं भी एक दर्ज भी दिखाई नहीं देती थी। मारिया देवी कंपाला के जाल में फंस चुकी थी। मारिया ने उठकर दीवार को टटोल कर देखा। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ पत्थर की मजबूत दीवार मिल गई थी। दीवार का पत्थर इस कदर सख्त था कि उसे अपनी जगह से हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मारिया ने कमरे में चारों तरफ घूम फिर कर देखा कि कहीं कोई छोटी मोटी दर्ज भी नहीं थी। सिर्फ ऊपर छत में एक जगह छोटा सा सुराख था जहाँ से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उस सुराख से रोशनी आना बंद हो गई तो मारिया समझ गई कि रात पड़ गई है। उसने थोड़ा बहुत खाना जहर मार किया और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे फिरौन के मोती का ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला। उफ, बदकिस्मती से मोती पुराने लिबास की जेब में रह गया था जिसे मारिया ने उतार कर सराय के कमरे में फेंक दिया था। अब वो बेबस थी, यहाँ कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि देवी कंपाला उसे देख सकती थी, चनाचे वो दरवाज़ा खुलने पर वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। मारिया चबूते पर लेट गई और अंबर और नाग के बारे में सोचने लगी जो अगले रोज जहाज से मिस्र की बंदरगाह पर उतरने वाले थे। उधर रातों रात ही देवी कंपाला ने यमन के जिन को जादू के जरिए खबर कर दी थी कि उसने मारिया नाम की एक ऐसी औरत को गिरफ्तार करके तहखाने में डाल दिया है जो किसी को नज़र नहीं आती। जिन बड़ा खुश हुआ। देवी कंपाला असल में कोई चुड़ैल नहीं थी, वो महज एक जादूगरनी थी और यमन के जिन से उसने कुछ जादू सीखा था। वो यमन के जिन को खुश करके उसे और जादूगरी सीखना चाहती थी। जिन ने पैगाम भिजवाया कि वो दूसरे दिन मारिया का खून पीने आ रहा है। मारिया को कोई खबर ना थी कि उसके खून पीने की तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है अंबरनाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 63 का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस
अंबर नाग मारिया सीरीज़ की आने वाली तमाम अकसात के पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाया करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम कहानियों के लिंक भी मौजूद हैं, आप वहाँ से बाकी तमाम कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अंबर नाग मारिया सीरीज़ की अगली किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने की बान।